नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हम जो वीडियो बनाने वाला स्टिचिंग का वीडियो है, पर मैं पहले आपको 2 मिनट की मतलब जानकारी देने जाती हूँ लेस वाली। जो अभी तक मैंने दिवाली में डिस्काउंट दिया था, अभी वो डिस्काउंट बंद हो गया है दोस्तों। तो अभी नया माल आ गया, गोल्डन में ही पूरा नया माल है दोस्तों। तो मैं आपको उसकी जरा जानकारी बता देती हूँ कितने में आपको लेस आएगी घर पहुंच, इधर सस्ता और अच्छा और फ्रेश माल। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर वाला लेस है, आप देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5, ये हम लोग 5 लेस यानी ये वाला बंच पूरा ये हम लोग 300 में देने वाले हैं, और 50 रुपीज शिपिंग चार्ज यानी 50 रुपया शिपिंग चार्ज। ये 300 साढ़े 300 में आपको 5 लेस आ जाएगी घर पे। इसकी डिजाइन देख रहे हो आप, परफेक्ट। ये तो रेगुलर चीज है और ये डोरी है, और ये इसमें आपको बहुत सारी प्रकार की आएगी। और 2 नंबर का बता देती हूँ मैं आपको, ये भी 5 आएगी, वो भी 300 में आएगी और 50 रुपया शिपिंग चार्ज। देख रहे हो, ये 18 मीटर की पूरी लेस है दोस्तों। यहाँ पे हमने 9 मीटर की एक भी दी, पूरी 18 मीटर की है। जैसे कि हमें ब्लाउज में, चुंदड़ी में लगते हैं ना, ड्रेस में, ये भी ये वाली है, ये भी 300 में 5 और 50 रुपीज शिपिंग है यानी 50 रुपये शिपिंग चार्ज। देख रहे हो लेस कितना अच्छी है और फ्रेश माल है। ओके, और दूसरी बात हम बताएंगे आपको, ये वाला बिजनेस पैकेज जिन लोगों को घर पे बेचना हो, तो हमने ये 500 में पूरा 12 पीस दिया है, पूरा कलर है हमारे पास से, और 50 रुपये शिपिंग चाहिए यानी ये 550 में आपको आएगा, और एक पीस अपने को 40 रुपये में एक घर पे गिरेगा। तो आप इसको 70 80 90 में आप आराम से बेच सकते हो, जैसा आपको लगा प्रॉफिट मुझे ज़्यादा 2 पैसा कमा रहा है, तो आपके हिसाब से आप बेच सकते हो। एकदम सस्ता और एकदम अच्छा है। तो ये पाइपिंग है दोस्तों, जैसे कि हम देखते हो गीता लेडीज टेलर की पाइपिंग कितनी है, तो हमने रियल बनाई हुई है। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कैसे पाइपिंग रहती है। जिन लोगों को पाइपिंग आती ही नहीं है, तो आप ये रेडीमेड भी पाइपिंग लगा सकते हो। इसका भी मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी आपको, क्योंकि शॉर्टकट तरीके में पाइपिंग कैसे लगाई जाती है, एक ओपन कर देती हूँ, बताती हूँ कैसे होती है रेडीमेड पाइपिंग। ये ऐसी रेडीमेड पाइपिंग होती है, जैसे कि हम लोग अभी लगा रहे हैं, आपको एक डेमो बता रही हूँ, हम लोग ऐसे लगाना पड़ता है। इसका भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी जल्द से जल्द, देख रहे हो इसी तरह से। तो ये भी आपको 18 मीटर पूरी आएगी। आपको कौन सा पाइपिंग डोरी या वगैरह कुछ लेना होगा, तो वहाँ पे 18 मीटर हम लोग 5 दे देंगे आपको यहाँ पे। ओके, ये पाइपिंग रेडीमेड डोरी है, ये सब ब्लाउज में चलती है और ड्रेस में भी चलती है। जिन लोगों को पाइपिंग आती नहीं, ये परफेक्ट और अच्छी तरह से, तो ये शॉर्टकट तरीका आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा बिजी हो गया, ये लैपोज में मिलेगा आपको, ये वेबसाइट का नाम है लैपोज। वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, और वहां से आप ये ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, और वेबसाइट का नाम है लैपोज। जैसे कि गीता लेडीज टेलर की कटिंग आप कैसे लेते हो, वैसे ही उसमें ये वेबसाइट में हमने ये पूरा बहुत सारे गोल्डन में बहुत सारी डिजाइन हमने आपको दी हुई है। तो आपको लेना हो तो वहां पे जाना है, और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे नंबर दिए, उस नंबर पे क्लिक करना है और ऑनलाइन परचेस करना है। अभी हम करेंगे काम की बात। अभी ये मैंने ब्लाउज है, मैंने पहले ही कटिंग करके रखा था दोस्तों, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, ये डिजाइन वाला आपको समझ में आया होगा। तो अभी इस ब्लाउज को हमको कंप्लीट करना है, पर इस ब्लाउज में हम लोग पाइपिंग लगाने वाले हैं। अभी वो कहाँ पे पाइपिंग होगी वो आपको मालूम पड़ना चाहिए, और वो अभी रेडीमेड ब्लाउज होता है तो उसमें कैसी पाइपिंग होती है दोस्तों। ये क्रॉस पट्टी है और ये प्रिंस कट है, तो यहाँ पे हम लोग पाइपिंग लगाने वाले हैं। यहाँ पे बीच में हम लोग पाइपिंग लगाने वाले, बीच में जैसे रेडीमेड ब्लाउज में कैसे होते हैं, वैसे हम यहाँ पे बीच में पाइपिंग लगाने वाले, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम लोग यहाँ पे कट कर लेते हैं, क्योंकि हमने फेविकोल से चिपकाया था दोस्तों, क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए, तो हमें सिलने में दिक्कत नहीं होती। तो बहुत सारे क्या करते, पहले स्टिचिंग कर लेते फिर बाद में ब्लाउज सिलते, तो हमारा टाइम बहुत चला जाता है। तो इससे क्या करना, पहले फेविकोल से चिपका लेना है, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज आप देख लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी मैं लिंक दे दूंगी, फेविकोल से कैसे ब्लाउज चिपकाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वैसे हम लोग कट कर लेते हैं, यानी हमें सिलने में दिक्कत नहीं होगी, तो सारे हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। अभी हम लोग स्टिचिंग करके, कभी भी आपको सिलना हो पैटर्न का ब्लाउज, तो बैक साइड हमें पहले रेडी कर लेना है, बैक साइड यानी पीछे का गला। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं, और आगे का पार्ट ले लेते हैं, और स्लीव्स भी साइड में रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग गोल्डन कपड़ा ले लेंगे, और इसको हम लोग 1-1 इंच जैसे हम लोग इसको कट करेंगे, 1 इंच। जो नए लोग सीखते होंगे तो वो 1.25-1.5 इंच भी कट कर लेते, कोई प्रभात नहीं, मतलब कम नहीं गिनना चाहिए। तो इसे हम लोग इसे 2 पट्टी निकाल लेते,
पाइपिंग की। मैंने दो पट्टी से कट कर ली। कभी भी पाइपिंग लगाते समय हमें पहले हल्का सा यहाँ पे हमें सिलाई मार लेनी, इससे क्या कि हमारी पाइपिंग अच्छी आ जाती है। तो कभी भी पाइपिंग लगाते समय ये ध्यान देना है इस चीज का। तो हमें हल्का सा हम पहले सिल लेते हैं पाव पाव इंच से, आप देख रहे हो हल्का सा सिलना है, ज्यादा नहीं सिलना है क्योंकि ये कवर हो जाता है। तो हम इसे पूरा सिल लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने दो पट्टी सिल ली। अभी इसको थोड़ा साइड रख ले इस पट्टी को। अभी हम मेन ले गए, प्रिंस कट सिलना है हमें। तो हमें कौन सा पार्ट लेना है, पहले इसे पार्ट हमें करना है, इसको ऐसे कर लेना है और इसको ऐसे करना है, यानी सिलते समय हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा। देख रहे हो इसी तरह से। ओके, ये हमारा आई पट्टी होगा, हुक पट्टी होगा। अभी इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं हम और इसको हम पहले पाइपिंग लगा लेते हैं। पहले इसको ऐसे पाइपिंग लगा लेना है हमें। हमने आगे से पाइपिंग लगाना है, जैसे रेडीमेड ब्लाउज में कैसे होती है दोस्तों, सेम वैसे ही हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे ऐसे सुई दबा देनी है और इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं हल्का सा तिरछा, क्योंकि ये पॉइंट हमारा अच्छी तरह से आ जाता है उभर के। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम लोग कट कर लेते और यहाँ भी हम लोग ऐसे थोड़ा नॉचेस दे देंगे, यानी ये राउंड है तो पाइपिंग अच्छी तरह से लग जाएगी हमारी। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग दोहरा दिया हुआ है और जहाँ पे हमारी रेड सिलाई दिख रही उसमें हम ये दोहरा अटकाएंगे और इसको हम लोग ऐसे करके इसको ऐसे करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पाइपिंग लगाते हैं और कपड़ा और दोहरा थोड़ा भी हमें खींचना नहीं है, और जो हमारा नॉर्मल होता है सिलाई का धागा यानी दाब तो वही रखना है, दूसरा चेंज नहीं करना है। इससे भी हमारी पाइपिंग अच्छी आ जाती है। देख रहे हो एकदम परफेक्ट आ गई है रेडीमेड जैसे ही। पॉइंट होगा वहां पे हमें ऐसे करना है, इसको ऐसे हमें सुई से इसे दबा देना और इसको हम लोग इसे धागा लेंगे और इसको हम लोग इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। देख रहे हो ये हमारा इसी पाइपिंग हमने बनाई हुई है। अभी हम इसको इसको इसके ऊपर रखेंगे इसी तरह से, देखना है इसको इसके ऊपर रखना है और सिलाई मारते जाना है, इसके ऊपर रख के सिलाई मारते हैं। रेडीमेड जो ब्लाउज होता है हमारा सेम ऐसा ही होता है दोस्तों, ये कुछ नया होता नहीं है, पर सिलने का तरीका थोड़ा इजी तरीका है हमारा, जैसे कि आप खुद भी सिल सकते हो। जैसे इसको ऐसे करते हैं हम और इसको हल्का हल्का हम लोग इसको, अभी ये टक्स पॉइंट आ गया है, यहाँ से हम लोग दबा देते हैं और इसको हम लोग इसे दबा देना है सुई से, इसको हम लोग ऐसे करेंगे। आप देख रहे हो इसको थोड़ा हम यहाँ पे इसको तिरछा कर लेते हैं, यानी ये पफ अच्छी तरह से आ जाएगा इसी तरह से, देख रहे हो आप। और जो एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे अभी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, इसे हम लोग छटाई कर लेते हैं। और एक बार बता दे वैसे ही प्रोसेस, क्योंकि हम लोग मेन पाइपिंग बना रहे हैं, और एक बार बताएंगे हम आपको, इसको सेम ऐसे ही रखना है। धागा निकल गया कोई बात नहीं, वापस ऐसे ही रखना है और कपड़ा थोड़ा भी हमें खींचना नहीं दोस्तों। आप कपड़ा खींचोगे तो आपकी पाइपिंग भी अच्छी नहीं आएगी, तो इस बात का आपने ध्यान देना है। तो यहाँ से हमने सुई दबा दी हुई है और हल्का सा, और कभी भी पाइपिंग लगाते समय हमें क्रॉस में ही कपड़ा कटना है, स्ट्रेट में काटो मत, नहीं स्ट्रेट में काटोगे ना तो ये पाइपिंग हमारी बराबर आएगी नहीं। आप इसको कटोरी में भी यूज कर सकते हो, तो कटोरी में मुझे बोल रहा है अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तो आप कटोरी में, प्रिंसेस कट में क्या होता है पाइपिंग बीच वाला। तो यहाँ से हम जहाँ पे हमारा राउंड है वहाँ पे हम लोग कट करेंगे नॉचेज। यहाँ पे हमारा जो रेड सिलाई है इसको ऐसे लेंगे हम और इसको हम ऐसे दबा देते हैं, इसको पाइपिंग लगाएंगे। जहाँ पे हमारा नोक है वहाँ पे हम लोग सुई दबा देते हैं,
यानी हमारा पॉइंट अच्छी तरह से आएगा। इसी तरह से मैं आपको रेडीमेड ब्लाउज की भी यानी रेडीमेड पाइपिंग कैसे लगाती है उसका भी वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगी दोस्तों। और जिन लोगों को भी गीता लिस्टर की कटिंग लेनी हो तो वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। कि मैं हर बार इसलिए बताती हूँ कि नए सब्सक्राइबर होते हैं उनको मालूम नहीं होता है कटिंग भी होती है क्या नहीं रेडीमेड। इसी तरह जो एक्स्ट्रा है वो कैसे कट कर लेते हैं, देख रहे हो कितनी अच्छी बन गई हमारी ये पाइपिंग है ना, लग रहा है ना रेडीमेड ब्लाउज के जैसे ही। तो अभी हम इसको इसके ऊपर ढक देंगे इसी तरह से और सिलाई मारते जाना है। जैसे हम नॉर्मल सिलाई कैसे लेते हैं वैसे ही अंदर से कपड़ा लेना है दोस्तों। दबा दिया हुआ है, अभी हम इसको ऐसे ले गए ओके, डबल सिलाई मारेंगे हम क्योंकि एक ही सिलाई है ये, छोड़ के मारना है। जैसे देख रहे हो रेडीमेड में कैसी होती वैसे हमें इसको मारते जाना है। दबाएंगे ओके, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। जहां से पाइपिंग लगा है वहां से अपोजिट करना है, यहां से नहीं करना है तो पाइपिंग हमारी फ्लैट हो जाएगी। देखा ना दोस्तों कितनी सुंदर बन गई हमारी ये पाइपिंग और पफ भी कितना परफेक्ट आ गया है, हमें यहाँ पे कफ लगाने की भी जरूरत नहीं है। देख रहे हो इसी तरह से अभी यहाँ पे हम क्रॉस पट्टी लगाएंगे, आपको बताएंगे क्रॉस पट्टी यहाँ पे हल्का सा पाव पॉइंट थोड़ा हल्का सा कट कर रहे क्योंकि राउंड में हमारी पाइपिंग आनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर रही हूँ दोनों साइड। और दोनों का माप सेम ले लेना है परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस पट्टी लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम लोग कट कर लेंगे, सिलने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए परफेक्ट। अभी हम इसको ऐसे लगा देते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस पट्टी लगा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं भी थोड़ा भी कपड़ा खींचना नहीं है और आप देख रहे हो इतना परफेक्ट क्यों ब्लाउज आया कि ये गीता लिख टेलर की कटिंग मैंने ली हुई है उससे मैंने ये कट किया हुआ है ब्लाउज। कटिंग लिया कपड़े पे रखा कट किया और अभी स्टिचिंग कर लेते हैं हम। देख लो बैक साइड भी कितना परफेक्ट आ गया सिलाई ये है ना। अभी हम इसको ऐसे करेंगे, नाखून से थोड़ा स्प्रेस कर लेंगे, ये ब्लाउज पहनेगा तो बहुत परफेक्ट आ जाए इसी तरह से। तो दोनों साइड हम ऐसे ही क्रॉस पट्टी लगा लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसीलिए। अभी मैंने दोनों साइड मैंने लगा लिया क्रॉस पट्टी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहां से हम लोग कट कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन रखना है दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है। अभी यहां पर मैंने कपड़ा लिया हुआ है अस्तर का, इसको साइड रख लेते हैं। ढाई इंच का मैं कट कर लेती हूँ, ढाई से तीन है दो हो जाएगा। ये अंदाजे से भी कट किया तो भी चल जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि जितना मैंने बोला उतना ही कट करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं आई पट्टी उपपत्ती बता रही हूँ आपको, मैं ऐसे नहीं है एकदम परफेक्ट ही आना चाहिए ऐसा, क्योंकि अंदाजे से कपड़ा लेना चाहिए। खाली इतना ही खाली बटन अच्छा लगना चाहिए, आई पट्टी और हुक पट्टी अच्छी तरह से लगनी चाहिए हमारी, तो इस बात का अपने भी ध्यान देना है। जो हमारा डाया हाथ होता है वहां पे हम लोग हुक पट्टी कर लेंगे, खाली उसके अंदर खाली अस्तर ही हमें लेना है, सिर्फ अस्तर लेना है, डाया हाथ में अस्तर लेना है। और यहाँ पे हम लोग चुनट ले लेंगे जहां पे हमारी क्रॉस पट्टी आती है पॉइंट पे,
इससे क्या होती है फिटिंग अच्छी आ जाती है, हमें फिटिंग में भी अच्छा मतलब खुद को आप सिलोगे और खुद पहनोगे तो आपको खुद को फील हो जाए। एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग कट कर लेते हैं और यहाँ पे लब सिलाई मार लेते हैं, इसको कहते हैं कवर सिलाई। अभी यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे अंदर से कवर कर लेना है अंदर से, क्योंकि हमारा जो हमने अस्तर डाला था वो दिखेगा नहीं। देखा कितना परफेक्ट है। अभी हम दूसरे पार्ट ले लेते हैं, अभी हुक पट्टी और मैंने ये कपड़ा ले लिया हुआ है, इसको मैं ऊपर रख लूंगी और अस्तर को नीचे रख लूंगी इसी तरह से, और इसको ये ऊपर रख लूंगी ब्लाउज का पार्ट और इसको सीधे से सिलाई मारनी है हमें। आई पट्टी हुक पट्टी का भी बता रही, कंफ्यूजन हो जाता है, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे। अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्का सा फोल्ड करके पाव इंच और इसको पाव एक इंच या आधा इंच जैसे थोड़ा बाहर निकालेंगे, एक इंच ही निकालना है, आधा इंच बहुत कम हो जाएगा नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर जब हम लोग साड़ी पहनते हैं फिर वो पूरा अंदर से दिखता है फिर वो, तो यहाँ से हमें जहाँ पे हमारी सिलाई होती है वहाँ पे इसको ऐसे रख के हमें यहाँ पे सिलाई मारते जाना है इसी तरह से, देख रहे हो। और यहाँ से हम लोग और दो सिलाई मारेंगे, जब भी हम हुक करेंगे तो ये हमें एक सीधी लाइन मिल जाती है। अभी नेक्स्ट बताते हो, अभी ये लग रहा है ये कितना ज़्यादा लग रहा है ये, तो इसकी बात पे हमको टिप्स बताते क्या करना है। अभी ये ज़्यादा है, अभी इसको हम लोग फाइनल हाथ मारेंगे। बहुत ज़रा को मैं वीडियो बता रहे मैम इसमें ज़्यादा लग रहा है इसमें कम लग रहा है, तो जैसे कि अभी ये हुक पट्टी है और ये भी हुक पट्टी है, तो हमें इसमें देना है, देखना है ये कितना है, तीन है आपका जितना होगा। अभी यहाँ से हमें गिनना है जहाँ पे हमारी क्रॉस पट्टी होती है, यहाँ से हमें गिनना है जो उतना, ये फाइनल ब्लाउज का नाप है मेरा, मैं आपको मेन टिप्स बताऊंगी, ये तीन है जितना आपका ब्लाउज का जो लोग का आप सिलते हो गए या खुद का सिलते हो गए, तीन साढ़े तीन जो होगा वो, तो वहाँ से अपने ये तीन है तो यहाँ पे हम लोग साढ़े तीन ले लेंगे, और ये कितना है ये तीन है यहाँ पे भी साढ़े तीन ले लेंगे जितना, क्योंकि आधा इंच सिलाई में, क्योंकि पाव इंच यहाँ पे सिलाई जाएगा, पाव इंच यहाँ पे सिलाई जाएगा, तो इसका भी यहाँ पे पाव इंच सिलाई इसमें यहाँ पे, तो ये परफेक्ट गला हमारा परफेक्ट छे पे आ जाता है, देख रहे हो ऐसा। तो यहाँ पे आगे पीछे तीन तीन है तो हम लोग यहाँ पे साढ़े तीन ले लेंगे, ये परफेक्ट है, जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे और यहाँ भी हम लोग साढ़े तीन ले लेंगे जितना उतना। अब ये साढ़े तीन है बराबर है तो यहाँ पे हम लोग साढ़े तीन ले लेते हैं और दो इंच तीरा यहाँ का हम ले लें। अभी आप देखो गीताली स्टाइल के कटिंग में इसलिए हमने इसे रखा हुआ क्योंकि हर एक की बॉडी एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है, खाली नाप होता है 34 जो होगा वो, तो इससे हमने इसे राउंड दे देना है, ओके। तो ये हमारा गला जितना होगा उतना आपके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। अभी ये आपको छोटा गला चाहिए तो आपके हिसाब से कम ज्यादा आपने करना है दोस्तों, ओके। अभी ये देख रहे हो ये, अभी इसको हम जो क्रॉस पट्टी से क्रॉस पट्टी यहाँ पे इसको रखेंगे बीच में, और इसको जो एक्स्ट्रा है वो हम लोग कट करेंगे, यहाँ पे पहले निशानी, इसको भी यहाँ पे हम लोग निशानी, ओके। तो यहाँ से हम लोग पहले यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो यहाँ से हम लोग कट, और अभी वहाँ पे हमने दो लिया था, अभी यहाँ पे हम लोग ढाई लेंगे। अभी ढाई इसलिए कि यहाँ पे हमें ज़्यादा बढ़ गया हमारा, इसीलिए आई पट्टी का बढ़ गया आधा इंच, तो यहाँ पे हम लोग ढाई ले लेते हैं, दो और ढाई, क्योंकि तेरा हमने ज़्यादा से हम लोग दो का ही तेरा लेते इसलिए हमारा शोल्डर गिरता नहीं है, तो यहाँ पे हम हल्का सा राउंड दे देते हैं, इसको हम ऐसे कट कर लेते हैं। इससे क्या होता है हमारा फुगा भी आता नहीं और फिटिंग भी परफेक्ट, देखो कितना एक्स्ट्रा मैंने कट किया कपड़ा, इसलिए कभी भी ब्लाउज सिलते समय हमें ज़्यादा ही कपड़ा चाहिए, कम कपड़ा नहीं चाहिए। अभी आप देख रहे हो ये एकदम ये परफेक्ट हो गया है। अभी यहाँ पर भी हम लोग पाइपिंग लगा लेते हैं, जैसे कि ऐसी कैसी पाइपिंग सेम वैसे ही लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने जो मैंने क्रॉस पट्टी का कपड़ा लिया यानी पाइपिंग कपड़ा गोल्डन वाला, इसको भी आपको बता देते हैं कैसे मैंने लगाया हुआ है ये, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे और ये इसको ऐसे ढक देंगे, इसको आगे पीछे कर लेना है और जो एक्स्ट्रा है वो कट करेंगे, इसको यहाँ पे नॉचेस करेंगे राउंड शेप है, इसीलिए जहाँ पे राउंड है वहाँ पे हमें करना है,
और यहाँ पे भी हम लोग पाइपिंग लगा लेंगे नेक को भी, इसको ऐसा और इसको ऐसा। लग रही ना रेडीमेड पाइपिंग? और आपको नई पाइपिंग आ रही तो कोई बात नहीं, गीता लेडीज टेलर के अंदर मैंने अभी जो वीडियो देख रहे हो वहाँ पे मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे आपको रेडीमेड पाइपिंग भी मिल जाएगी कि आपको तुरंत आप ब्लाउज अच्छी तरह से सिल पाओगे। नहीं आती होगी उनको पाइपिंग, जिनको आते हैं तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा डोरी इसको ऐसे ढकेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देख रहे हो कितनी सुंदर आ गई हमारी ये पाइपिंग, आगे पीछे कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग डबल सिलाई मार लेते हैं तो पाइपिंग अच्छी बन जाएगी हमारी। दोस्तों मैंने नेक पे भी लगा लिया पाइपिंग और आप देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने कैसे मैंने कफ बिना कफ के ये पूरा एकदम कफ अच्छी तरह से बैठ गया हुआ है। अभी इसको हम थोड़ा बताएंगे आपको, कभी भी इसको ऐसे रखना है इसको परफेक्ट, और यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा मार्जिन थी वो इसको ऐसे रख के करना है, पूरा ऐसे सेम नहीं करना है, हमें इसको थोड़ा छोड़ के लेना है, जो हमारी सिलाई होती है उसको छोड़ के हमें इसको रखना है, क्रॉस पट्टी काटनी यानी शोल्डर पट्टी हमें काटनी है, नहीं तो फिर हमारा शोल्डर गिर जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस बात का थोड़ा ध्यान देना है, इसको सेम ऐसे रखना है सेम टू सेम, और इसको हम लोग पाव इंच जैसे हम लोग इसे क्रॉस में काटेंगे, नेक जहाँ पे हमारा नेक होता है वहाँ पे काटना है, स्लीव्स के साइड नहीं काटना है। तो यहाँ पे हम लोग इसे पाव इंच जैसे हम इसे क्रॉस काटते हैं, देख रहे हो इसी तरह से। तो दोनों साइड हमें ऐसे ही काट लेना है दोस्तों, इसको भी सेम वैसे ही नेक के बाजू में ही काटना है, परफेक्ट ले लेना है। देख रहे हो डिजाइन, ये मैंने वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, प्लीज आप देख लेना है। इसको भी हम ऐसे ही सेम पाव पॉइंट इसे काट लेते हैं दोनों साइड। तो अभी हम इसको दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेना है, स्लीव्स लगा लेनी है और फिटिंग कर लेनी है। वैसे तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है तो प्लीज़ वहाँ से आप देख सकते हो। तो मुझे लग रहा है आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगा, तो जितना होता शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार देते रहना। धन्यवाद दोस्तों।